एग्जाम्पल आती है आपके पास एनिमल्स और प्लांट्स. एनिमल और प्लांट्स बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं. ये आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ये आपके पास होगी ऑर्गेनाइजेशन. दो करेक्टर हैं, एक है उनकी बॉडीज के बारे में और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन के किस तरह के उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है. देन हम डिस्कस करते हैं इनके अंदर जो इनके एटीपी है. एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द एनर्जी करेंसी. हमारी बॉडी के अंदर ये एनर्जी करेंसी है एटीपी. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस भी करते हैं और उसको अपने मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल भी करते हैं. जैसे हम कोई काम करते हैं, जाहिर है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है. इवन हम फूड कंज्यूम भी अगर कर रहे हैं तो उसको कंज्यूम भी करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. सो दे जनरेट एंड यूज एनर्जी. एनर्जी जनरेट यानी प्रोड्यूस भी करते हैं और उसको इस्तेमाल भी करते हैं अपनी सारी फंक्शनिंग के लिए, अपने सारे कामों के लिए. नेक्स्ट चीज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज जीन्स. जीन्स जैसे कि हम सब जानते हैं इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत की बुनियादी इकाई होती है. यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो खसूसियात का तबादला होता है वो जीन्स की वजह से ही होता है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव जेनेटिक मटेरियल. जितने भी जानदार चीज़ें होती हैं उनके पास अपने करैक्टरिस्टिक्स के लिए, अपनी खसूसियात के लिए एक जीनियाती मादा मौजूद होता है जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक उनकी खसूसियात को लेके जाता है, उसका तबादला करवाता है. देन आपके पास इसके अंदर आता है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म आपके पास जितने भी किसी जानदार के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके इकट्ठ को यानी कि उनको इकट्ठा करने के बाद आपके पास आता है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म भी आता है, कैटाबॉलिज्म भी आता है, जिसमें छोटी चीज़ों का टूटकर बड़ी चीज़ बनाना, मतलब जुड़कर बड़ी चीज़ बनाना दैट इज़ एनाबॉलिज्म, और बड़ी चीज़ों का टूटकर छोटी चीज़ बनाना दैट इज़ कैटाबॉलिज्म. सो ये उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं. दे कैरी एंड कंट्रोल बायोकेमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस उनके अंदर होते भी हैं और उनको वो कंट्रोल भी कर सकते हैं. देन आपके पास आता है ग्रोथ. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, वो प्लांट हों, वो जानवर हों, वो इंसान हों, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज में बढ़ता है. दे कैन इंक्रीज इन साइज, अपने साइज में बढ़ सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो करैक्टर आता है दैट इज होमियोस्टेसिस. होमियोस्टेसिस आपके पास इसका मतलब होता है कि अपने अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना, अंदर के माहौल को मेंटेन करके रखना. दे हैव होमियोस्टेसिस. कैन मेंटेन देयर फेयरली कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. अपने अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रख सकते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट जो हमारे पास इसका करैक्टर है दैट इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दोबारा से प्रोड्यूस करना. यानी ये जितने भी आपके पास जानदार होते हैं
वो नए ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, औलाद पैदा कर सकते हैं। लास्ट जो हमारे पास करैक्टर है दैट इज रिस्पॉन्स। दे रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे बाहर अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है तो इंटरनल जो हमारी बॉडी है वो किसी न किसी तरह रिस्पॉन्स शो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पसीना आता है ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। शदीद सर्दी में हमारी जो शिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है, वो भी इसीलिए होती है ताकि हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो सके। सो दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि लाइफ के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लाइफ होती क्या है। हमने पढ़ा कि लाइफ इज़ अ सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स विच डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि एक ऐसी खसूसियात का इकट्ठा है जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से सेपरेट करती है। हमने बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को हम डिफाइन करेंगे। कोई भी ऐसी शय जिसमें ये सारे करैक्टरिस्टिक्स बयक वक्त पाए जाएं उसको हम नाम देते हैं एक लिविंग थिंग का। एन ऑब्जेक्ट विच पोजेस ऑल दीज करैक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज एन लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये सारे करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। आज हमने डिस्कस किया है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बायो के बारे में पढ़ा कि बायो होता क्या है, और हमने लाइफ के बारे में पढ़ा, और हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर।